यहाँ से इन लोगों से बहुत परे जाने वाले हैं, बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को एक मस्त जगह ले जाने वाला हूँ। और ये खड़ी अपनी गाड़ी, ये तुम्हारा भाई। फोन भी वाटरप्रूफ नहीं है, दिक्कत हो जाएगी यार। मैं यहाँ का नाना छोड़ रहा था भाई, घर जाके पछताता नहीं पछताता मैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो यार अभी मैंने सोचा था सुबह सुबह राइड करने जाऊंगा 6 बजे, लेकिन नहीं हो पाया। अब भी जस्ट मेरी 8 बजे नींद खुली और मैं अभी तुरंत निकल रहा हूँ यार। चलते हैं यार, खांसी बोल रही, जल्दी जल्दी चलो भाई। रोड की हालत देखो यार, यहाँ कैसी हो रखी है। इतना टाइम हो गया ना, रोड इतनी खराब हो रखी है, भयंकर, क्या ही बताऊँ। मतलब गाड़ी भी पहुँचनी जरूरी है यार, एवं गाड़ी पहुँचते हैं। तो पहले यार मैं एक गली क्रॉस कर लेता हूँ आराम से, फिर निकलते हैं। हौले हौले, अब इधर से रास्ता बंद है बाबू भैया। चलो भैया तेल भरवाते हैं, पहले 200 का डाल दो भैया। गाइस सुबह सुबह गर्ल्स निकल गई हैं अपने बॉयज के साथ और हम निकल गए हैं अपनी बाइक के साथ। तो फाइनली पहुंच गए भाई घंटाघर। जो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स देहरादून से पढ़ के बाहर हैं और अभी देहरादून को मिस करते हैं, तो यार उनके लिए लो मेन जगह रात को आइसक्रीम खाने, तो तुम यहीं आते हो गए यार, चाहे तुम कहीं भी रहते हो। यार अभी पहुंच गए थे हम दून क्लब, तो मैं उधर गया था शूट करने ग्राउंड में, कि पवेलियन ग्राउंड आजकल बहुत सही बना दिया है, लेकिन साला यार कैमरे का रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर रही थी। चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा नहीं जाऊंगा। भैया क्या खा रहे हो? चलते हैं गाइस। भाई तो जंगल में फाइनली एंटर हो ही गए हैं और ये देखो वाओ कितने पैराडॉक्स है। नाइस। तो देखो भाई अब भीड़ तो मैं शुरू हो जाएगी और ये जंगल के इलाका भी रेडी हो गया है, मतलब कि शुरू हो गया है। यहाँ पे देखो एक छोटी सी शॉप खुल रही है और भीड़ कितनी लगी है यार भाई। अरे ये वाला बंद है आज, मैं तो सोचता था भाई यहाँ पे रुकूंगा, कोई नहीं रुक जाते तब भी, यहाँ पे से नजारे अच्छे आते हैं। भैया आपकी शॉप है क्या? मुझे लगा भैया की शॉप होगी तो खोल देंगे। तो भाई फाइनली यहाँ पे रुक गए थे और लोकेशन देखो कितनी प्यारी है भाई ने, कितना बढ़िया सा खोल रखा है यहाँ पे। और वो नीचे जाना है अभी मेरे को, वो देखो वहाँ जाना है अभी। ये है सहजधारा का एरिया, देखो यार कितनी प्यारी जगह है, माउंटेन्स ही माउंटेन्स। माउंटेन्स में आना बहुत ज़रूरी है यार रिफ्रेशमेंट के लिए ना। बाकी अब चलते हैं नीचे की ओर और दिखाते हैं आप लोगों को नज़ारे। तो यार अब यहाँ पे से तो न्यूट्रल ही न्यूट्रल है पूरा नीचे तक, क्योंकि पूरा डाउन ही डाउन है ना। कृपया ओवरटेक ना करें, ज़रूरी भी है ओवरटेक नहीं करना है भाई, पहाड़ों का रोड है। खैर हम तो आदत के ही, हम तो पहाड़ों में रहे, तो बहुत अच्छी रोड है यार, हमारे गाँव में तो बहुत पतली पतली रोड है। पूरा मज़ा आ रहा है भाई, पूरा पूरा मज़ा। ज़रूरी है यार पहाड़ों में आना ना, अपना रिफ्रेशमेंट हो जाता है और अकेले आके तो और भी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मी विथ मी वाला टाइम हो जाता है ना वो। बाकी भैया मजे तो बहुत आ रहे हैं और मजे आएंगे क्यों नहीं, क्योंकि मजे वाले भैया आए हैं। लो भैया मंदिर आ गया, जय माता दी। इधर का मौसम एकदम ऐसे हो रहा है चिल टाइप का, एकदम मस्त। अभी तो ज्यादा धूप भी नहीं चुभ रही है, दिन में तो धूप चुभेगी यार बहुत गंदी इधर। बाकी आज से पहले जब मैं देहरादून सबसे पहले आया था तब आया था ना इधर, भाई इधर ना उतना ज्यादा, मतलब ऐसा भी नहीं कह सकता नहीं था, बहुत था यार, बट आगे था। इधर जब पीछे पीछे खुले हैं ना अभी कैफेज वगैरह होटल वगैरह, ये अभी रिसेंटली खुले हैं यार और बहुत प्यारे प्यारे खुले भाई। सही है यार, ऐसे ही टूरिस्ट बढ़ता है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। सुबह का माहौल ही बहुत डिफरेंट होता है भाई। ये है जी सहजधारा, अब यहाँ पे टिकट के पैसे अलग और देने पड़ेंगे यार, एक वो भी समस्या है। साइकिलिंग करके भी लोग एक दिन साइकिल पे भी आते हैं, बोल रहा था मैं सुमित भाई से चलते हैं यार, चलो एक दिन साइकिल लेके। हाँ 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 ये बोलते रह गए वो, चलते तो है नहीं। अब यहाँ पे अलग दिक्कत है यार, तो भाई वो रोक रहे थे, मैं तो रुका नहीं, अब चल गया हूँ मैं, अब आगे रोकेंगे तो देख लेंगे।
खाली हुआ यार, पैसे दे रहे हैं इन लोगों को, इनको पैसे दे के क्या होगा, गांव वाले पूरा जेब में डाल रहे अपने पैसा। बस सच रहता हूँ तो मैंने तो आज तक नहीं दिए यहाँ से पैसे, ना हमेशा मैं भाग ही जाता हूँ यहाँ से। बस जाते टाइम अब ये उतारना पड़ेगा, नहीं तो पकड़ लेंगे यार वो लोग। पहले अपना ऊपर चलते हैं, नहाते आते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को नीचे का दिखाऊंगा एरिया, क्योंकि मैं तो ऊपर पहाड़ों वाले में जा रहा हूँ ना, इधर जहाँ क्राउड आता है, क्राउड मतलब जो बाहर से लोग आते हैं उनको नहीं पता वो ऊपर वाला एरिया, वो खाली लोकल्स को ही पता है जो इधर रहते हैं, जो इधर आए हैं मतलब ज्यादातर। बाकी ज्यादातर लोग तो नीचे वाले एरिया पे ही लाते हैं, यहाँ पे ज्यादा जहाँ पे शॉप वॉप ज्यादा है। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे से अभी, ये देखो गाइस अब दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है भैया सहजदारा, देखो ये है यहाँ का आनंद, देखो भाई व्हाट अ ब्यूटी व्यू गाइस। गाड़ी आ रही है, ये देखो भाई इतने शानदार नजारे है, सब लोग चिल कर रहे हैं एकदम मस्त। बट हम यहाँ से इन लोगों से बहुत परे जाने वाले हैं, बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को एक मस्त जगह ले जाने वाला हूँ। और ये खड़ी अपनी गाड़ी, ये तुम्हारा भाई बैक का फीता खुल गया यार। एक थंबनेल के लिए फोटो ले लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। अप्पा भीड़ भाड़ वाला एरिया यार, यहाँ आने में ना मजा नहीं आता है, तो अब मैं इसमें कैमरा सेट करता हूँ, अपना बैग फिट करता हूँ और उसके बाद निकलते हैं। चलो भाई हम निकलते हैं अपने एरिया को, जहाँ हमने नहाना है, जहाँ हमने रुकना है। बैग का फीता खुल गया था यार, लगा लिया वो तो मैंने, कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क से जाना पड़ता है। सही है यार, पर सहजधारा बहुत तगड़ा एरिया है भाई। हाँ ये बोल रहे पार्किंग में लगा और हमें 50 रुपए दे, 50 रुपए तो तुम्हारे अंकल को नहीं दिए मैंने वहाँ गेट के। ग्राम पंचायत सेरा गांव आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो भाई सेरा गांव में एंटर हो चुके हैं हम, वैसे तो मैं नाम नूम भी देखता था, आज देख ले तो अभी गिर गया था भाई। धूली धूल भैया धूली धूल, आगे जाओ यार फिर चलता हूँ। भाई मेरी वीडियो बनाने की ना पूरी मेहनत बेकार हो गई है यार। हैं? हाँ अब जाना पड़ेगा, अभी यहीं आके पता चला ना मेरे को। भाई मैं आया, मैंने अभी चेक किया, माइक की तो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही यार, बैटरी ख़त्म हो गई है, गलत सीन हो गया भाई। क्या फ़ायदा यार इतनी मस्त मस्त वीडियो बनाने का। और उस एरिया से भी पूरी राइड करके लाया था, पूरी नई नई चीज़ें खुली हैं यहाँ, पूरा बैटरी ख़त्म हो गई यार, शिट मैन ये तो बहुत गलत हो गया भाई, अब नहाने का भी मूड नहीं यार मेरा तो। देखो भाई नज़ारे तो प्यारे हैं, लेकिन यार अब मेरा तो हो गया भाई मूड ऑफ, नहाने का भी मन नहीं है, क्योंकि यार इतनी मेहनत से यार जो मेन पार्ट का ब्लॉग था ना, जो मतलब रियल चीज़ आप लोगों को दिखानी थी, भयंकर अब दिखाई नहीं पाऊँगा, माइक ही ख़राब हो गया यार। ऊपर से इतनी सही वीडियो बना के लाया था ना, जो मेन मतलब राइट का पार्ट था ना भयंकर, यहाँ वाला सच में यार मन नहीं कर रहा यार वीडियो बनाने का। तो देखो यार इधर ना पहले भयंकर कुछ भी नहीं था, अब ये पूरा नया नया खुल गया है, लेकिन यार कसम से मूड ऑफ हो गया यार, मेहनत करी थी भाई। हाला कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं अब, घर पे ही नहीं आएंगे, कोई बात नहीं नेक्स्ट डे आते हैं, गलती मेरी भी है, मैंने चार्ज नहीं किया, डायरेक्ट लेके आ गया। फिर भाई चलते हैं, नेक्स्ट डे आएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, आज फिर मूड ऑफ हो गया यार सच में ना, फिर नहा तो लेता पर नहाने का मज़ा नहीं आता, एक्साइटमेंट के साथ आया था यार पूरी। माइक ही ख़राब हो गया था मेरे को पता है, यहाँ फिर की भी वॉइस बहुत बेकार सी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई होते रहता है। ये देखो यहाँ पे की वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हुई थी भाई इधर, वाह जगह तो मस्त है यार कुछ भी बोलो। मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं यार, वीडियो ही तो रिकॉर्ड नहीं हुई, ना लेते हैं भाई, आ गया हूँ मैं, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने फन को ही पूरा ना करे, जो करने आए वो ना करे। तो भाई
मैं आ गया हूँ नहाने फिर से, और एक मस्त सा स्पॉट भी मिल गया मेरे को, ये देखो इधर नहाएंगे अब हम। तो भाई अब इधर पे रखते हैं अपने कपड़े कुपड़े और यहीं नहाते हैं मस्त। इस वाले स्पॉट पे नहाता हूँ मैं, यहाँ सही है, छोटा नहीं है ज़्यादा। चलो देखते हैं जैसा भी है, नीचे वाला भी मेरे को सही लग रहा है वैसे तो। भैया उसमें पानी कितना है? ऊपर वाले में ही चलते हैं यार, इसमें पानी थोड़ा गंदा सा भी है, कम भी है, ऊपर वाले में चल के ही नहाते हैं। इससे पहले जब मैं यहाँ आया था, मैं यहाँ कुछ भी नहीं था, क्यों यहाँ शॉप वगैरह, और आजकल देखो इतना सारा खुल गया यार भाई, इतने सारे कैफेज खुल गए ना ऊपर, और सही बना दिया इधर, ज़्यादा सही है, नीचे तो बहुत भीड़ भाड़ होती है। तो भाई बैग वैग अब यहाँ पर रख दिया है भैया की शॉप में, और अब जाते हैं इसमें और नहाते। देखो भाई फाइनली पानी पे आ गए थे। ओ भाई गहरा है, गहरा है भाई, गहरा है, फ़ोन भी वाटर प्रूफ नहीं है, दिक्कत हो जाएगी यार। तो फ़ोन रखते हैं अब साइड में और उसके बाद नहाते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो फ़ोन रख लेता हूँ अब एक बार, यार फाइनली नहा लिया था, बहुत मजा आया यार। अब कपड़े कुपड़े चेंज करता हूँ और निकलता हूँ उसके बाद। तो यार नहा के मैं आ गया हूँ अभी ऊपर, अब गाड़ी के पास जा रहा हूँ। तो मैंने आज एक चीज सीखी, अभी जब मैं यहाँ थोड़ी देर पहले आया था तो मेरा माइक खराब हो गया था, उस चक्कर में मेरा मूड खराब हो गया यार, आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, वीडियो के पार्ट्स कट हो गए, इस वजह से ना मैं यहाँ का नहाना छोड़ रहा था भाई, घर जाके पछताता नहीं पछताता मैं। तो अब नहा लिया मैंने, चेक दिस ब्यूटी। तो अब इतना सही लग रहा है ना, अब लग रहा है यार सही किया नहा के, वरना घर जाके लगता है कि यार क्यों नहीं नहाया होगा करके। तो किसी छोटी छोटी चीज़ के चक्कर में जब मूड स्विंग होते हैं तो उसकी वजह से अपने प्लान्स चेंज नहीं करने चाहिए। तो चलो निकलते हैं भाई अब। तो यार आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी ऐसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।